अपने फर्जी कागजों से रजिस्ट्रेशन करवाकर व फर्जी ईवी बिल बनवाकर 529 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी के मामले में 34 फर्मों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने ये कार्यवाही राज्य कर विभाग के डिप्टी कमिश्नर आरएल वर्मा के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर की है। बता दें कि राज्य कर विभाग की एसटीएफ टीम ने काशीपुर, जसपुर और हल्द्वानी के विभाग में पंजीकृत 3.5 दर्जन से अधिक फर्मों की जाँच की, जिसमें एसटीएफ टीम के सामने एक बड़ा फर्जीवाड़ा निकलकर सामने आया है, जिनकी जाँच करने पर एसटीएफ टीम चकित रह गई। ये सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के जो डिप्टी कमिश्नर हैं हमारे यहाँ राजेंद्र लाल वर्मा जी, उनके द्वारा ये मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। इसमें बेसिकली जो फर्म्स हैं, 34 फर्म्स हैं टोटल, ये दिल्ली से या फिर अन्य जगह से जो सामान लेके आती हैं वो एड्रेसेस भी इनके फेक हैं, और जहाँ के लिए सामान लाती हैं वो एड्रेसेस भी फेक हैं। इसमें जो ई बिल जनरेट किए गए हैं उसका कंपनसेशन या क्लेम से गवर्नमेंट से लेकर के ये लोग फ्रॉड करते हैं। तो ये कुल मिलाकर के जो धनराशि क्लेम की है वो 529 करोड़ की आती है। इसमें पूर्व में व्यापार कर विभाग के कमिश्नर जो हैं उनके द्वारा जांच कराई गई है और तब ये पूरा प्रकरण सामने आया है। तो आज हमने उनकी तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया है और इसमें अब आगे की इन्वेस्टिगेशन चलेगी।